ओके दोस्तों, तो एक और टाटा लीजेंडरी ट्रक के बारे में मैं आपको दिखाने आया हूँ। तो लुक एट दिस, टाटा की ये ट्रक थी, एक्चुअली अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये चलती नहीं है। तो सबसे पहले आप फ्रंट से देखिए, सबसे पहले टायर की बात करेंगे तो गाइस 80 प्लस की टायर आती है इसमें, HCL लिखा हुआ है उस पर, एंड टायर एकदम बेकार हो चुका है। शैशी वगैरह आप देख सकते हो, शैशी वगैरह पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है, जंग खा चुकी है। और दिस ट्रक अपने ज़माने में जो कि क्या कहते हैं इसको, अपने ज़माने की लीजेंड रह चुकी है यार, काफ़ी। इसको बोलते थे बड़े नोज़ वाला ट्रक, ठीक है, बड़े नोज़ वाला ट्रक। इसमें ड्राइवर का ना काफ़ी सेफ रहते थे ड्राइवर, मतलब काफ़ी ड्राइवर का सेफ्टी रहता था, अगर ठुक ठुका गई तो ड्राइवर को कुछ नहीं होता था। तो वेल, फ्रंट से हम देखेंगे जो कि इसके हेडलाइट में जो देख सकते हो झाड़ पतवार, ये सब झाड़ पतवार घुस चुका है और पूरा ख़त्म हो चुका है। इस तरफ से आएंगे तो ये देखो, ओए होए होए, आई जस्ट पर्सनली सीरियसली लव दिस ट्रक। और फ्रंट से कुछ ऐसी है, ये देखो इसका ये जाली है जो कि काफ़ी मोटी होती थी, उसके नीचे होता था ये रेडिएटर और उसके नीचे होता था ये बम्पर, उसके नीचे और ये रेडिएटर फिन्स वगैरह है। ये देखो एयर जाती है जो कि ठंडा करती है। और इस तरफ से देखेंगे तो खलासी का साइड और उधर ड्राइवर के साइड की तरफ आपको ले चलता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये देखो दोनों हेडलाइट गायब है, बेकार हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखो पूरा झाड़ पतवार इसको घेर चुका है और बड़ा ये ऐसे एक्सिस पे, मतलब ऐसे है ना कि कभी भी ये नीचे गिर सकती है। गेट देखो, गेट की हालत क्या हो रही है इधर पूरा, मतलब यार एकदम, मतलब ये देखो कैसा, मतलब झरने की तरह ऐसे घेर चुका है इसको ये झाड़ पतवार। और थोड़ा रिस्की है दोस्तों इसमें जाना, फिर भी हम जाएंगे आप लोगों के लिए। वेल, इधर बहुत ठंडा लग रहा है और देखो गाइस कैसे ये टिल्ट है, मतलब गिर ना जाए भाई, बहुत रिस्की है। देखो आप लोगों के लिए कितना रिस्क लेकर वीडियो बना रहे हैं। सीरियसली गाइस, लुक एट दिस, ये मेरे सर के ऊपर है और ये गाड़ी ऐसे कभी भी गिर सकती है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो टायर KZ 36L की टायर है, इसमें टायर पूरी की पूरी घिस चुकी है बीच से, एंड बोल्ट वगैरह आप देख ही सकते हो किस हालत में है। एंड ये देखो, अरे वाह, ड्राइवर का ये जाम हो चुका है और ये लॉक वॉक ये भी जाम हो चुका है पूरी की पूरी। और गेट इतना हेवी है दोस्तों, इतनी हेवी है गेट, जस्ट लुक एट दिस, बहुत हेवी है, मतलब देखो गेट ही। और ये पहले के मैंने दिखाया था ना कि इसमें लकड़ी का काम बहुत होता था, ये देख सकते हो आप, सारा का सारा लकड़ी का काम है जो कि सड़ गल चुकी है भाई। लकड़ी भी एक हद तक ही देखती है ना, मतलब झेलती है, वो भी सड़ गल जाती है। इसमें एक होता था लोहे की प्लेटिंग, एक होती थी शीशे की, एक दो देख सकते हो। एंड वेल, इधर से तो बहुत ही डेडली हालत में है ये। वेल ओके दोस्तों, तो इस तरफ से सारा का सारा लकड़ी का काम होता हुआ इसमें, एंड ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो बड़ा रिस्की है जाना, फिर भी मैं जाऊंगा आप लोगों के लिए। सीट के गद्दे भी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। एंड ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसा सिस्टम इसमें मिलता था, इसमें देखो ये एक ये क्या कहेंगे इसको, सपोर्टर, ये भी हिल रहा है, ख़त्म हो चुका है। और जगह जगह ऐसे लॉक ऐसे वाले, ये जो अपने घरों में लगते हैं ना, वो दिया हुआ है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ताकि रात में ड्राइवर खाना वाना खाने के लिए उतरे तो चोर वगैरह इसमें घुस के कुछ सामान उनका ले ना ले। ये हैंडल है जो कि फिक्स हो चुका है, अब ये 50 साल से या 70 साल से पड़ी हुई है, आई डोंट नो, बट ये देखो ये लाइट को एडजस्ट करने के लिए ये सब टूट चुका है। इसमें स्टीयरिंग का जो होता है वो भी टूट चुकी है। और इसका इंटरेस्टिंग होगा मुझे ये दिखाना, इस पर कम से कम आधे इंच का डस्ट पड़ा हुआ है दोस्तों, लेट मी शो यू, इस पर कितनी स्पीड थी, क्या थी। और ये वो है गदर मूवी में ऐसा ही ट्रक यूज हुआ है दोस्तों, तो 100 की टॉप स्पीड दिखा रही है ये, चली हुई है, कितना चली हुई है ये दिख भी नहीं रहा है मुझे ढंग से, 14,000 है तो ये तो खैर 14,000 नहीं 14 लाख होगा जब मैं मान जाऊंगा,
तो ये बहुत ज़्यादा चली हुई होगी। ये कुछ इसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, स्टीयरिंग वाला जो वो होता है पूरा का पूरा जंग खा चुका है दोस्तों। ये बापरे, ब्रेक वाला जो पैडल वैडल है वो सब हिल नहीं रहा है, और तो मुझे दिक्कत हो रही है अपने पैर को जमाने में ऐसी जगह पे। तो फिर उधर से आपको दिखाऊंगा। और ये देखो शैशी वगैरह पूरा का पूरा सड़ चुका है, ये भी सड़ चुका है। टैंक देख सकते हो कि ज़मीन दोज हो चुकी है, ज़मीन में धंस चुकी है। एंड ये देखो किस हालत में है उसके सस्पेंशन वगैरह और टैंक वगैरह, फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ सड़ चुका है। ये देखो, ये देखो पूरी जंग खा चुकी है, पूरा पूरा पूरी की पूरी खाली है। ये लकड़ी का, हेवी लकड़ी का ये इसमें यूज होता था। ये देखो ये सब सड़ गल चुकी है, खुद से हट रही है भाई। तो इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी है। मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ और आप देख सकते हो कि ये कैसी है, पूरी की पूरी जंग खा चुकी है। और मैं जल्दी हटता हूँ क्योंकि अगर ये गिर विर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर से आप देख सकते हो, देखो दोस्तों ऐसे झुकी हुई है, एंड इट्स टू रिस्की टू स्टे हियर अंडरनीथ। ये देखो पीछे का टायर भी है, जेके टायर है शायद, जी हाँ जेके टायर है। टायर तो इसका ट्रक का एक राउंड में बदला जाता है, तो टायर उस ज़माने की होगी नहीं, आई नो। और इधर से तेल वेल सब निकल गया इसके रिम से, लुक एट दिस। तो पूरा रिम से तेल निकल चुका है, रिम हब ये सब छोड़ चुका है। और ये देखो यार कितना मतलब जंग खा चुका है, इसको पूरी की पूरी बर्बाद कर चुका है। ऊपर का जो लकड़ी का वो सब बना रहता है आप देख ही सकते हो कितना डैमेज हो चुका है। और ये 100 साल से या 70 80 साल से यहाँ पे यूं ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर ताकि मैं और बनाऊँ। एक्सेल जो है रोटेटिंग एक्सेल वो भी आप देख सकते हो देयर, वो गिरा हुआ है, टूट चुका है। और इसका स्प्रिंग मैं क्लोज से दिखाता हूँ। तो एक्सल देख सकते हो आप कैसा है पूरा, ये भी सड़ गल गया है, उसको छूते ही वो भी टूट जाएगा। और इधर से सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा इसका हालत है, ये देखो जंग की हालत देखो, छूने से ही पूरा गिर रहा है। तो पूरा एबॉन्ड है, पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। एंड लुक एट दिस, ये सब लकड़ी वाला, देखो इसकी हालत गाइस कितनी जर्जर, जर्जर का जो भी और उससे बुरा वर्ड होगा ना वो है। और मेरे सर के ऊपर देखो मतलब कैसी टिल्ट हो चुकी है, झुक चुकी है, गिरने के कगार पे है। और मैं थोड़ा हट के आपको दिखाई देता हूँ इस तरफ से। तो ये पेड़ में फंसा हुआ है इसलिए रुका हुआ है, नहीं तो कब का लद से गिर जाता है। ये ऊपर से देख सकते हो कुछ ऐसी हालत में है। और इसके नीचे से पेड़ उगाया है दोस्तों, ये पेड़ सोचो छोटा हुआ होगा, बीज हुआ होगा, पता नहीं काय का पेड़ है किस चीज़ का बीज हुआ होगा, फिर वो बड़ी हुई होगी और पूरे में पेड़ पेड़ है। तो आप सोच सकते हो कितने सालों से, 60-70 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। अंदर में देखेंगे तो अंदर में तो कुछ नहीं है भाई, अगर अंदर गए तो आपको दिखा दूँ ये सब। पीछे का जो ये लकड़ी का ही बनता था, ये पीछे का ढाला बोलते हैं इसको, या दरवाज़ा पीछे का। और ये देखो ये लोहे का जंजीर है, मतलब इसके इसको बंद करने के लिए, गेटवा को बंद करने के लिए ये देते थे। देखो दोस्तों ये सब लकड़ी का ये सब बनता था, जो कि सब सड़ गल चुकी है। आपने लगभग हर चीज़ देखा है, तो उधर जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये बता रहा था ना मैं, ये जलेबी का पेड़ है, जलेबी जो होती है ना देहाती जलेबी, उसकी पेड़ है ये, और उसी पे ये टिका हुआ है। ओके, तो ये चक्का उधर से मैं दिखा दूंगा। और अंदर से कुछ ऐसी जर्जर हालत में ये गाड़ी, ये ट्रक टाटा डी मौजूद है, एकदम टिल्ट हो चुकी है। वेल दोस्तों, तो पीछे से आपने देखा, अब उधर से मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत ही गलत जगह पर ये आकर रुकी हुई है। तो इधर से देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि पेड़ खरपतवार ने इसको, पेड़ झाड़ ने सब कुछ घेर लिया है। इधर से बस है कि टायर दिख रहा है जो कि सड़ गल चुका है, इधर टायर की हालत भी नाजुक है। और ये देखो कुछ ऐसी हालत में है ये ट्रक। और ये लुक एट द एयर टैंक जिससे ब्रेक लगती है। और ये कुछ सामने से ऐसा है, ये देखो इधर इधर का गेट है।
को पायलट जो होता है, जो खलासी बोलते हैं उसको देसी भाषा में, उधर से कुछ ऐसा है और आप देख सकते हो। ओए ये गेट खुल नहीं रही है, जाम है तो मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगा। तो ये है और ये बहुत गर्म हो रहा है और इसका इंजन तो अकेले मुझसे खुलने से रहा, ये खुल नहीं सकता है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सामने से कन्वेंशनल और सब लकड़ी का काम इस पर हुआ था। तो यही है दोस्तों टाटा की डी ट्रक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।